Assalamu alaikum, welcome to my channel Code Seekers. This is part 3 of my videos on arrays in C++. In this part we will learn how to insert an element in array. जब हम insertion operation की बात करते हैं arrays के अंदर, तो हम एक new element जो user insert करना हो अगर हम array में, तो हम simply उसको array में end पे insert कर सकते हैं. एंड पे insert करने के केस में हमें बाकी elements को बिल्कुल भी disturb करने की जरूरत नहीं पड़ती. और दूसरा ये है कि हमने किसी specific location पे या स्टार्ट पे हमने न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, तो उस केस में हमारी बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशंस डिस्टर्ब होती हैं, उनकी पोजीशंस को हमें चेंज करना पड़ता है और फिर एक फ्री स्पेस बनाकर उधर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ता है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंड पे एक कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो वो किस तरह से करते हैं. लेट्स से कि हमारे पास एक अरे है साइज 7 की और यूजर ने उसके अंदर ये 7 वैल्यूज एंटर कर दी हैं. तो बी केयरफुल कि जब यूजर ने कहा कि साइज 7 की अरे यूजर ने डिक्लेयर करवाई, तो उस केस में हमने जो लास्ट वैल्यू एंटर की होगी वो इंडेक्स 6 पे की होगी. तो जब यूजर कहेगा कि उसने एक न्यू वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो सिंपली हम अरे ऑफ साइज में न्यू वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं. साइज हमारे पास 7 था, मतलब इंडेक्स 7 पे. तो लेट्स से कि यूजर ने एक न्यू एलिमेंट 8 इंसर्ट कर दिया, तो वो हम न्यू सिंपल विदाउट जो है ना डिस्टर्बिंग अदर पोजीशंस, बाकी हमने एलिमेंट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बस डायरेक्ट जो भी यूजर ने पोजीशन स्पेसिफाई की हुई थी कि कितना साइज यूजर ने डिक्लेयर करवाया था उस लोकेशन पे, उस इंडेक्स पे जो साइज यूजर ने डिक्लेयर करवाया था, हमने एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया और साइज में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि अब इस केस में हमारा अरे का साइज 8 हो गया है. अरे का साइज 8 हो गया और लास्ट इंडेक्स हमारा 7 हो गया. तो इस तरह से हम सिंपली एक कोई भी न्यू एलिमेंट अरे में इंसर्ट कर सकते हैं. तो इसको हम कंपाइलर पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं. मैं कोड लिख लेती हूँ एक सिंपल कि किस तरह से यूजर से हम साइज ले लें और एक अरे है डिक्लेयर करवानी है, लेकिन अरे ऑफ साइज डिक्लेयर करवानी है और साइज हमने यूजर से लेना है कि उसने कितने साइज की अरे डिक्लेयर करवानी है. एंटर साइज, और उसके बाद हमने उस साइज की रेडी क्लियर करवा दी और फिर लूप लगा के उसमें इनपुट ले लेंगे. ये बस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से अरे को डिक्लेयर करवाना है, किस तरह से उसे इनिशियलाइज करवाना है और किस तरह से उसमें हमने न्यू वैल्यूज इंसर्ट करवानी है. इनपुट ले ली के बाद, अब अगर यूजर ने एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर न्यू एलिमेंट, एंटर वैल्यू टू इंसर्ट इन अरे एट लास्ट, लास्ट पर इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट को एंटर करें. तो उस केस में लेट्स से कि यूजर ने एंटर कर दिया, यूजर से ले लेते हैं हम टेम्प में वो वैल्यू, टेम्प को डिक्लेयर करवा दूं. और उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे कि अरे आप साइज को असाइन कर देंगे वो वैल्यू और साइज में हम कर देंगे इंक्रीमेंट, क्योंकि अरे का साइज भी फिर इंक्रीज हो जाए. लेट्स से आई हैव एंटर साइज 5, एंटर वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5. अब ये तो मैंने इंसर्ट किया ना न्यू वैल्यू, हम देख लेते हैं कि वो वैल्यू न्यू इंसर्ट हुई भी है अरे में या नहीं. तो उस केस में हमें इस अरे को प्रिंट करवाना होगा और फिर से वही लूप. और अब देखें मैंने साइज इंक्रीज कर दिया लेकिन लूप साइज तक चलाई है. लेट्स से कि पहले अगर साइज 5 था, मतलब इस केस में अगर यूजर ने साइज 5 एंटर किया है, तो ये लूप जो है ना हमसे साइज 4 तक जो है ना साइज 4 तक वैल्यूज एंटर करवाएगी. और जब यूजर कहेगा कि उसने एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो वो पोजीशन इंडेक्स 5 पर एंटर होगा और साइज में इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब अब साइज हमारे पास न्यू हो गया 6. देखें साइज 5 है तो हम इंडेक्स 4 तक जा रहे हैं, फिर न्यू एलिमेंट इंसर्ट किया है तो उसको इंडेक्स 5 पे इंसर्ट किया और साइज 6 हो गया,
क्योंकि प्रीवियसली साइज 5 था, अब साइज 6 हो गया एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट होने पे। और इसको अब हम न्यू एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देते हैं। अपडेटेड अरे, इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। एंटर साइज 5 वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 लेट्स एंटर। तो ये देख सकते हैं कि अपडेटेड अरे हमारे पास आ रही है 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 8। तो इस तरह से हम कोई भी न्यू एलिमेंट अरे में लास्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने अरे में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे न्यू एलिमेंट किस तरह से इंसर्ट करवाना है और उसके लिए प्रोग्राम में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होंगी। सबसे पहले ये कि हमें साइज इनपुट लेना होगा यूजर से अरे का, उसके बाद उस साइज प्लस 1 की अरे डिक्लेयर करवानी होगी और एक ज्यादा नंबर की जो है ना मेमोरी इस वजह से हमें लोकेट करवानी होगी क्योंकि हमने एक न्यू एलिमेंट भी यूजर से इंसर्ट करवाना है। लाइक अगर यूजर हमारा साइज इनपुट कर देता है 7, तो हम लोगों ने 7 प्लस 1 मतलब 8 साइज की 8 लोकेशन हमें रिजर्व करवानी होगी क्योंकि हमने एक न्यू एलिमेंट भी तो इंसर्ट करवाना है ना। उसके बाद हमने इनपुट लेना होगा अरे के अंदर और इस प्रोग्राम में हमें 2 एक्स्ट्रा चीजें यूजर से चाहिए होंगी। एक वो पोजीशन जिस पोजीशन पे यूजर ने न्यू एलिमेंट इंसर्ट करवाना है लेट्स से, उसके लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे पी। और उसके बाद ये कि कौन सा नंबर यूजर ने इंसर्ट करवाना है लेट्स से इट्स टेम्प। उसके बाद जो है ना हम मेन लॉजिक यूज करेंगे किस तरह से उस एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उस अरे को हम प्रिंट करवा देंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने न्यू एलिमेंट को अरे के अंदर इंसर्ट करना है, फंक्शनिंग कैसे होगी। लेट्स से अगेन के यूजर ने हम साइज 7 दिया और हमने 8 साइज की एक अरे जो है ना डिक्लेयर करवा ली और उसके अंदर इनपुट ले ली, लेकिन इनपुट हमने 7 नंबर्स ही लिए इनिशियली क्योंकि वो यूजर बाद में कहेगा कि उसने एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करवाना है और हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस एंड पे पड़ी हुई है। अब हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं वो साइज के किस पोजीशन पे उसने न्यू एलिमेंट इंसर्ट करवाना है पी। लेट्स से कि यूजर एंटर कर देता है पी इज इक्वल्स टू 3, तो हमने क्या करना होगा हमें कि उस पी पोजीशन 3 का मतलब है इंडेक्स 2 दिस वन। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा कि इस पोजीशन से लेके उससे आगे एंड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक एक नंबर आगे फॉरवर्ड करना होगा। लाइक 7 को इधर मूव करना होगा, 6 को फिर इस पोजीशन पे मूव करना होगा, 5 को उससे नेक्स्ट पे, 4 को उससे आगे, 3 को इधर, और इस तरह से फिर हमारे पास इस पोजीशन पे एक एम्प्टी स्पेस बन जाएगी। उधर भी हम न्यू एलिमेंट टेम्प लेट्स से न्यू एलिमेंट हमारे पास होगा टेम्प वो इंसर्ट कर लेंगे। तो इसको अब हम करके देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या करेंगे हम, अब देखें ये मेरे पास है साइज, ये जो लोकेशन है ना ये साइज की है क्योंकि यूजर ने तो लेट्स से साइज एंटर किया है ना 7, यूजर ने साइज में हमें इनपुट दिया 7 और हमने अरे डिक्लेयर करवाई 8 की, लेकिन ये जो है ना ये हमारे पास साइज है तो हमने साइज -1 पोजीशन पकड़ी मतलब ये कि इंडेक्स 6 पकड़ा और हम लोगों ने लूप लगाई पी तक। लाइक आई इज इक्वल्स टू साइज -1 और आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी तक हम लूप लगाएंगे, मतलब इस एलिमेंट तक हम लूप लगाएंगे और उनको एक एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे और हर दफा हम आई में डिक्रीमेंट करते जाएंगे क्योंकि एक स्टेप पीछे हमें मूव करना है। अब उससे पहले वाली जिस पोजीशन पे भी यूजर ने न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है उससे पहले वाले एलिमेंट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। मतलब ये कि अगर मैं इधर अपडेटेड अरे इधर एंटर करती हूँ लेट्स से 1 वैसे का वैसे रहेगा, 2 वैसे का वैसे रहेगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है 7 को इधर मूव करना है, तो हमने लूप लगाई ये साइज -1, साइज मेरे पास क्या था यूजर ने एंटर किया था 7, मतलब आई की इनिशियली मेरे पास वैल्यू है 6 सॉरी साइज तक साइज यूज होगा यहाँ पे साइज -1 नहीं, मतलब साइज था हमारे पास 7 तो साइज -1 की वैल्यू हमने असाइन कर देनी है साइज को, साइज वाले इंडेक्स को, मतलब 6 इंडेक्स वाली वैल्यू हमने असाइन कर देनी है 7th इंडेक्स को। जैसे इधर आप देख सकते हैं अरे ऑफ 6 को आपने फर्स्ट टाइम क्या होगा, सबसे पहले अरे ऑफ 6 इज इक्वल टू की वैल्यू को असाइन किया जा रहा है अरे ऑफ 7 को, मतलब ये अरे ऑफ 6 हमारे पास ये था, अरे ऑफ 6 हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं आगे शिफ्ट कर रहे हैं अरे ऑफ 7 में।
array of i is equals to array of i minus 1. तो first time i हमारे पास 7 है, तो array of i is equals to array of i minus 1, array of 7 is equals to array of 6. तो ये 7 हमारे पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ बाकी हमारे पास values क्या हैं, 7, 6, 5, 4, 3. उसके बाद फिर i में decrement हो रहा है, हमारे पास i की value हमारे पास हो रही है, पहले 7 थी, अब i की वैल्यू 6 होगी. फिर से हमारे पास लॉजिक क्या थी, array of i is equals to array of i minus 1. तो क्या होगा, array of i means array of 6 की वैल्यू में जाएगी हमारे पास array of i minus 1 5 की वैल्यू. array of 5 हमारे पास ये है, array of 6 मतलब ये वाली लोकेशन. तो 6 हमने मूव कर दिया इस स्टेप पे, मतलब हमारे पास अब इस पॉइंट पे आ गया 6. उसके बाद फिर i में फिर से डिक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. तो फिर अरे ऑफ 5 में हमारे पास चली गई अरे ऑफ 4 की वैल्यू. अब अरे ऑफ 4 की वैल्यू ये है और अरे ऑफ 5 हमारे पास ये लोकेशन है. यहीं पे लिख लेती हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब अरे ऑफ 5 में सेव करवाएंगे हम अरे ऑफ 4 की वैल्यू, मतलब ये कि ये 5 इधर चला जाएगा, इस लोकेशन पे हमारे पास आ जाएगा 5. इसी तरह से फिर 3 वाली वैल्यू 4 में जाएगी, इस पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगा 4. फिर 2 वाली जाएगी 3 पे और इस पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगा 3. इस पॉइंट पे आके अब i की वैल्यू जब हमारे पास 2 हो जाएगी तो कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि यूजर ने तो पोजीशन एंटर की थी 3 और अब हम आ गए हैं 2 पे. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इस तरह से जब लूप एंड होगी तो उस टाइम पे हमारे पास p की वैल्यू होगी 2, मतलब क्योंकि p तो यूजर ने तो एंटर किया था ना 3, और 3 तक तो ये सारी इंडेक्स 3 तक सारी की सारी वैल्यूज हो चुकी होंगी एक एक स्टेप आगे, और जब p की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास लूप एंड हो जाएगी. और उस केस में जो भी फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद लूप एंड होने के बाद सिंपली हम अरे ऑफ पी में पी माइनस 1 में, क्योंकि पोजिशन 1 है, अरे ऑफ पी माइनस 1 क्योंकि पोजीशन यूजर ने एंटर की थी 3, 3 माइनस 1 मीन्स सेकेंड इंडेक्स पे हम फिर न्यू वैल्यू इंसर्ट कर देंगे जो कि टेम्प में यूजर ने एंटर की हुई है. इस तरह से हम एक न्यू वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं. इसी तरह से अगर हम यही कोड अगर हम देखें तो ये कोड हमारे लिए एंड पे भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए चलेगा, और बिल्कुल स्टार्ट पे भी जो है ना यही कोड चलेगा न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए. लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा इस चीज़ का कि जब यूजर p की वैल्यू एंटर कर रहा है तो p की वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 और साइज के दरमियान हो, साइज से बड़ी ना हो और 1 से छोटी ना हो, क्योंकि अगर 1 से छोटी होगी तो उस केस में हमारे पास जो है ना ये लूप प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और अगर साइज से बड़ी होगी तो उस केस में भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. लेकिन साइज से बड़ी होना इतना मसला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने नहीं साइज से बड़ी होगी तब ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. तो इसलिए हम लोगों ने पी पे भी एक कंडीशन लगानी है कि पी की वैल्यू 1 से लेकर साइज के अंदर अंदर हो. और दूसरी तरफ ये अब देख लेते हैं कि अगर हमारे पास स्टार्ट पे इंसर्ट करना हो तो उस केस में पी की वैल्यू यूजर लेट से एंटर करता है 1, मतलब बिल्कुल इस जगह पे उसने इंसर्ट करनी है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, तरह से इसको इधर मूव किया, मतलब ये इधर देखे ना साइज हमारे पास था 7, तो अरे आप 7 में सेव करवाइए अरे आप 6 की वैल्यू, फिर अरे आप 6 में सेव करवाइए अरे आप 5 की वैल्यू. आई में डिक्रीमेंट होता जा रहा है, एक एक्स्ट्रा पीछे जाते जा रहे हैं हम. अरे आप 5 में सेव करवाई हमने अरे आप 4 की वैल्यू, अरे आप 4 में सेव करवाई 3 की वैल्यू, 2 की वैल्यू ये करवाई, अरे आप 1 में सेव करवा दी अरे आप 0 की वैल्यू, क्योंकि जब पी की वैल्यू 1 होगी तो 1 में जाएगी हमारे पास अरे आप आई मीन्स अरे आप 1 में जाएगी हमारे पास अरे आप आई माइनस 1 अरे आप 0 की वैल्यू, मतलब ये इधर चल जाएगी, लूप एग्जिट कर जाएगी, और फिर जो है ना हम अरे ऑफ पी माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 में न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर लेंगे. तो इस तरह से यही कोड हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट पे भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो यही कोड चलेगा. और एंड के केस में हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी बिल्कुल भी, कोई भी ये सारे मूव ही नहीं करेंगे एलिमेंट्स, और सिंपली हम लोग अरे ऑफ पी माइनस 1 में एलिमेंट इंसर्ट करवा लेंगे. अब आई होप कि आपको इस कोड की समझ आ गई होगी, आप खुद भी इसे ट्राई करें, और अब हम भी इसको कंपाइलर पे देख लेते हैं.
लेकिन इसको करने से पहले हम एक दफा फिर से ये पीछे देख लेते हैं स्लाइड की, हमें क्या क्या कुछ करना है। इनपुट लेना है, साइज डिक्लेयर करवानी है अरे, साइज प्लस वन की अरे के अंदर इनपुट लेना है, फिर पोजीशन पूछनी है यूजर से, नंबर इंसर्ट करवाना है, नंबर यूजर से लेना है इनपुट, उसके बाद हम लोगों ने इंसर्ट करने के लिए स्पेस बनानी है, और स्पेस हम वही एक एक स्टेप आगे हर एलिमेंट को मूव करके बनाएंगे, और उसके बाद प्रिंट कर देनी है अरे। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट। ये जो प्रीवियसली मैंने एंड पे लिखने का कोड, एंड पे इंसर्ट करने का कोड लिखा था, तो आप देख लें कि अब यही जो हमारा स्पेसिफिक लोकेशन वाला कोड है, यही हमारी एंड वाली जगह पे भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए चलेगा, स्टार्ट पे भी इंसर्ट करने के लिए चलेगा, और किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए भी यही एलिमेंट चलेगा। अब इस कोड में हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए था, साइज। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये साइज वाला कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इनपुट ले रहे हैं हम साइज का, उसके बाद हम अरे ऑफ साइज प्लस वन भी क्लियर करवा रहे हैं, अरे के अंदर इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद एंटर वैल्यू टू इंसर्ट इन अरे। इससे पहले हमें क्या करना होगा, पोजीशन यूजर से लेनी होगी, एट विच पोजीशन यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट। ये हम एलिमेंट ले लेते हैं, इंसर्ट करवा लेते हैं पी में, एक वेरिएबल पी डिक्लेयर करवा लेते हैं, और उसके बाद हमें ये मेक श्योर करना है कि p ग्रेटर देन, p हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल है वन के, एंड लेस देन या इक्वल है हमारे पास साइज प्लस वन के। साइज प्लस वन की बजाय हम सिंपली साइज प्लस प्लस करके साइज में इंक्रीमेंट कर लेते हैं, और साइज को हम रख लेते हैं ये p इज लेस देन वन एंड p इज लेस देन इक्वल टू साइज, डू व्हाइल लूप के अंदर इसको कर लेते हैं। डू मतलब पोजीशन एंटर करवाएं और चेक करें कि पोजीशन जो है ना साइज वन से लेके साइज के अंदर अंदर, या अगर साइज से ग्रेटर वैल्यू पोजीशन एंटर की जाती है या साइज वन से लेस, तो उस केस में पोजीशन दोबारा से एंटर करवाई जाए। और एंटर वैल्यू टू इंसर्ट इन एन अरे एट लास्ट नहीं, अब मुझे किसी भी लोकेशन पे चाहिए एंटर वैल्यू टू इंसर्ट इन एन अरे, और वो ले ली। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास मेन लॉजिक आएगी, ये एंड पे प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग अरे। अब इधर हम अपना लॉजिक कोड लिख लेते हैं। कोड में हम क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू साइज, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी आई माइनस माइनस, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अरे ऑफ आई में हम वैल्यू सेव करवा रहे हैं अरे ऑफ आई माइनस वन की। लेट्स से यूजर एंटर करता है, इसको एक दफा खुद भी देख लेते हैं कि ये ठीक है, और जब ये लूप एग्जिट हो तो क्या हो कि अरे ऑफ पी माइनस वन में सेव हो जाए टेम्प। एक दफा इसको देख लेते हैं, लेट्स से कि यूजर ने साइज एंटर किया फोर, तो फोर साइज तक इसको हम फोर साइज तक यूजर से इनपुट लिया जाएगा, लाइक इंडेक्स फोर तक, उसके बाद साइज फाइव है इंडेक्स फोर तक इनपुट लिया जाएगा, उसके बाद साइज में इंक्रीमेंट कर दिया गया। अब इधर हमारे पास साइज की वैल्यू हो गया फाइव, सिक्स पहले फाइव थी, उसके बाद हमने पोजीशन एंटर करवाई यूजर से और मेक श्योर किया कि पोजीशन फाइव है, मतलब नहीं पोजीशन सिक्स है या उससे बड़ी है या छोटी है, और वन से वन है या उससे बड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू एंटर करवा ली यूजर से, उसके बाद हम सिक्स से लेके इधर साइज की वैल्यू क्या है सिक्स, सिक्स से लेकर पी की वैल्यू लेट से आ जाती है थ्री, सिक्स से लेकर थ्री तक चलेंगे, लाइक साइज ऑफ, तो इसको रन करके देख लेते हैं, आई गेस कहीं मिस्टेक है, एंटर साइज फाइव वैल्यूज वन टू थ्री फोर फाइव, पोजीशन आई एम एंटरिंग थ्री,
Oops. Not of this. जब तक इसकी वैल्यू इसके अंदर साइज 500 किया वैल्यूज एंटर की 5 पोजीशन 3 एंटर की एलिमेंट 1 वैल्यू एंटर कर दी 10 अपडेट इज अपडेटेड अरेज 1 2 10 3 4 एंड 5। तो ये देखें न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो गया है थर्ड पोजीशन पे, ये देख सकते हैं आप, और बाकी सारे एलिमेंट एक एक स्टेप आगे मूव कर गए हैं। अब हम इसी कोड में एंड पर वैल्यू इंसर्ट करके देख लेते हैं। साइज मैं दे रही हूँ 5 वंस अगेन 1 2 3 4 5। मैं एंटर कर रही हूँ वैल्यू 6 एंटर वैल्यू टू इंसर्ट इन अरे। मैंने वैल्यू एंटर की 6 अपडेटेड अरेज है। अब इसी कोड को एक दफ़ा स्टार्ट पे इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट का चेक कर लेते हैं। एंटर साइज साइज मैंने एंटर कर दिया 4 वैल्यूज 1 2 3 4। पोजीशन देखिए मैं 0 एंटर करती हूँ तो इसने मुझसे दोबारा से पोजीशन मांगी है क्योंकि मैंने इनवैलिड पोजीशन एंटर की थी। अब मैं पोजीशन एंटर कर देती हूँ 1 एंटर वैल्यू टू इंसर्ट इन अरे -3 अपडेटेड अरेज -1 -3 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं कि ये कोड हमारे लिए स्टार्ट पे एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे एट द एंड तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और किस तरह से आप इतने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से आप किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे एंड पर या स्टार्ट पे अरे में न्यू वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस कोड की समझ आ गई होगी किस तरह से एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करते हैं अरे के अंदर। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।